नवंबर में बढ़ती ठंड को देखते हुए वाराणसी की सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब ने मिथिलेश देवी की स्मृति में निजी बाग स्थित संकट दहन हनुमान जी के मंदिर के पास जरूरतमंद असहाय गरीब के बीच कंबल का वितरण किया। यह नेक काम संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, लक्ष्मी हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार राय, महासचिव राजन सोनी, उपाध्यक्ष मोहम्मद जुबेर के नेतृत्व में सम्पन्न हुआ। साथ ही संस्था ने अपील करी कि सभी समाज सेवी संस्था हर साल की तरह इस साल भी इस नेक कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लें। साथ ही संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल द्वारा नगर निगम प्रशासन से मांग किया गया कि वह मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस बार पड़ने वाले कड़ाके के सर्दी के मौसम को देखते हुए वह जगह जगह व्यापक स्तर पर रैन बसेरा के साथ अलाव जलाने की व्यवस्था तैयार कर लें, जिससे गली कूचे सड़क पर रात व्यतीत करने वाले असहाय लोगों को ठंड से राहत मिल सके। ठंड की आगाज को देखते हुए हम लोग मौसम विभाग द्वारा पूर्वानुमान द्वारा बताया गया था कि इस बार जो ठंड ज़्यादा पड़ेगी उसको देखते हुए हम लोग सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले निजी बाग स्थित संकट दहन हनुमान जी के मंदिर के पास जो भिक्षुक लोग हैं, जो असहाय हैं, जो गरीब हैं, उनमें जो है कंबल का वितरण किए हैं और सभी संस्थाओं से पुरजोर ढंग से अपील करते हैं कि वे भी आगे आएँ और लोगों को सहयोग के रूप में कंबल का वितरण करें। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, डॉक्टर अशोक कुमार राय, महासचिव राजन सोनी, उपाध्यक्ष मोहम्मद जुबेर, उपाध्यक्ष अनिल केसरी, कोषाध्यक्ष नंद कुमार टोपी वाले शामिल हुए। आज यहाँ पे सुबह बनारस के अध्यक्ष जो आदरणीय मुकेश जायसवाल जी और उनके पूरे टीम के द्वारा यहाँ नीची बाग पे हनुमान मंदिर पे जरूरतमंद लोगों को ठंड को देखते हुए सब कम्बल का वितरण किया गया और ये हर वर्षों की भांति इस तरह का कंबल वितरण सुबह बनारस की तरफ से जगह जगह ज़रूरतमंदों को किया जाता है। और जैसा कि मुकेश जायसवाल जी ने बताया है कि आगे भी इस तरह का हम लोग अपना कार्यक्रम रखेंगे कि ज़रूरतमंद लोग जो हैं उनको कंबल वितरण किया जाए जिससे कि वो ठंड से बच सकें और ये बहुत ही पुनीत कार्य है और सामाजिक संगठन को भी आगे आकर के इस तरह का कार्य करना चाहिए जिससे कि लोग ठंड से होने वाली मौत ना हो, ठंड से लगने से कोई बीमार ना हो। अभी यहाँ पे लगभग 50 लोगों को जो है यहाँ पे कंबल वितरण किया गया है और इसी क्रम में आगे भी हम लोग जो है रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और जगह जगह चौराहों पे जैसे कि रात में 12 बजे के बाद भी जाते हैं जिससे पता चलता है कि कौन ज़्यादा ज़रूरतमंद है उनको हम लोग कंबल का वितरण करते हैं। ये कार्यक्रम लगभग जो है 15 वर्षों से लगातार चला आ रहे हैं। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।